ये लूटिंग इंडिया का कंसेप्ट है, ये लूटने वाले लोग हैं देश को। ये लोग कांग्रेस के लाठी खाए हुए लोग, कांग्रेस ने इन लोगों को जेल में डाला था। ये लोग लूटने वाले इंडिया को हैं, ब्रेकिंग इंडिया करने वाले इंडिया के। लालू प्रसाद जी को डंगवाला चौराहे पे मार के तोड़ दिया था। लालू जी के बेटी का नाम भी मीसा इसलिए है कि मीसा एक्ट था, उसका उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कई बीजेपी के नेता उपस्थित रहे। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन किया, प्राणों की आहुति दिया और आहुति देकर इस देश में 370 को के धारा के खिलाफ हिंदुस्तान को जगाने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया। इसलिए साथियों, आज बलिदान दिवस है और बलिदान दिवस के दिन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया। देखिए, ये लूटिंग इंडिया का कंसेप्ट है, ये लूटने वाले लोग हैं देश को। आप देख लीजिए, कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप सारे नेताओं पर चलता है और ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के युवराज आज आने वाले हैं राहुल गांधी। उनसे पूछिएगा कि राहुल गांधी जी, आपने ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा था? यही लालू प्रसाद जी जिसने चारा काया था उसके खिलाफ आपने ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था। तो ये जो है, ये इनका दोहरा चरित्र है कि समय के हिसाब से बदलते हैं। ये लोग लूटने वाले इंडिया को हैं, ब्रेकिंग इंडिया करने वाले इंडिया के हैं और ब्रेकिंग इंडिया और लुकिंग इंडिया के खिलाफ इस देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेकिंग इंडिया के सपने को साकार कर रहे हो। कुछ नहीं है, ये लोग कांग्रेस के लाठी खाए हुए लोग हैं। कांग्रेस ने इन लोगों को जेल में डाला था, दूसरी पार्टी नहीं, कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। उसी पार्टी ने लालू प्रसाद जी को डंगवाला चौराहे पे मार के तोड़ दिया था, नीतीश कुमार जी को जेल में बंद रखा और लालू जी के बेटी का नाम भी मीसा इसलिए है कि मीसा एक्ट था, उसका उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इन लोगों को शर्म नहीं लगता तब देश में क्या किया सकता? आपको नहीं लगता है कि खास करके कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस कुछ आत्मविश्वास से लबरेज है और शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, ये वो राजनीतिक तौर पर एक स्टेट का चुनाव था। कितना स्टेट का चुनाव कांग्रेस हारी है गिन पाए हैं क्या आप? आगे भी नहीं गिन पाएंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। 2024 में बिहार के साथ साथ पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। 24 की आप बात कर रहे हैं, 25 की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता एक मिथ्या है, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में 2015 के नतीजे तो जरूर आ रहे होंगे आप लोगों के। देखिए, 2015 का चुनाव, नीतीश कुमार जी का इमेज वो 300 गुना नीचे है और नीतीश जी के पास वोट बचा क्या है ये तो बता दीजिए। जिस लवकुश के बल पर वो राज कर रहे थे, वो सत्ता तो उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया, बचा क्या है? अब बिहार की राजनीति में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 2024 और 25 में सरकार बनेगी। अंतिम सवाल आपसे करना चाहते हैं, नीतीश कुमार का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एकदम आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं बचा है और मैं 2025 में गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं उनको कुटिया में बैठाने का काम करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी विपक्षी दलों के नेता पर हमला किया है, खासकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कहा है कि इस बार 2024 और 25 में होने वाले चुनाव में पूरी तरह से NDA मजबूत है और बड़ी बहुमत के साथ दोनों चुनाव में अपनी जीत को हासिल करेगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।